मिर्च, आलू, आटा, सारा चीजें। कचौड़ी हमारे कुछ इस तरह की बनी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमारे बच्चों ने डिमांड करी है, पापा को हमारे लिए कुछ अच्छा बनाओ। हम बच्चों के लिए बनाने वाले हैं आज आलू की कचौड़ी। ये आलू हमने उबाल लिए हैं, आलू को सबको उबाल लिया हमने, और यहाँ जितने आलू हैं उतने उस हिसाब से हमने ये आटा लिया है। तो करीब करीब ये 1.25 किलो आलू है। ये आटा जो हमने थोड़ा कम लिया है, आटा ऐसे होगा 1/2 किलो आटे आटा होगा। आलू की मात्रा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये कचौड़ी बनने वाली है आलू की। तो चलो उसे बनाना स्टार्ट करते हैं, अब तो हमारे साथ बनाना एंड तक। यहाँ आलू जो है उमा इसके अंदर भूनेंगी आटे के अंदर, और यहाँ उमा जो है आलू गूंद रही है आटे के अंदर थोड़ा बारीक करके। इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च और दो डालेंगे प्याज, ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं इसके अंदर हम। ज़्यादा प्याज डालेंगे ना इसके अंदर तो पूरी कचौड़ी जो है हमारी मीठी हो जाएगी, तो इसलिए हमने दो प्याज डाली हैं और थोड़ी हरी मिर्च डाली थोड़ा चटपटा करने के लिए इसको। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, हमें थोड़ी हरी मिर्च कम लगी तो यहाँ उमा डाल ली थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी तेज़ होगी मिर्च है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी, नॉर्मल मिर्च रखेंगे हम ताकि बच्चे भी खा लें और हम भी खा सकेंगे इसके अंदर आराम से। ज़्यादा तेज़ मिर्च जो होगी बच्चों को नुकसान देगी, इसलिए हमने थोड़ी मिर्च डाली है इसके अंदर, बस रहने दो काफ़ी है। तो ये हमने थोड़ा सा डाल दिया नमक इसके अंदर। हमने आटा तो हमने गूंद लिया है, अब जलाते हैं गैस और कढ़ाई पर तेल डाल लेते हैं। और तेल लिया हमने ये फॉर्चून का तेल लिया है। इसी तेल हम बनाएंगे कचौड़ी। इसी तेल हम बनाएंगे कचौड़ी। तो यहाँ पर हमने रख दी है कढ़ाई गैस पे और तेल गर्म हो गया इसके अंदर हमारा, और यहाँ उमा ने पूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है और उमा ने धनिया कचौड़ी बना दी उमा ने। चलो उमा छोड़ो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर आओ। तो कचौड़ी हमारे कुछ इस तरह की बनी है। तो यहाँ दोस्तों हमने इतनी सारी कचौड़ी बना दी, देखो ये देखो इतनी सारी कचौड़ी बना दी है। अभी थोड़ा आटा और रह गया है, ये कुछ बना रहे हैं। दोस्तों हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। प्रिया और मोहिनी बाहर खा रही हैं, दामिनी यहाँ बैठी मेरे साथ, वो भी खा रही है, हम दोनों खा रहे हैं। कचौड़ी हमारी कुछ इस तरह की बनी है हमारी कचौड़ी, और बहुत ही बड़े तरीके से बनी है कचौड़ी। देखो बिल्कुल मुलायम है और इसके इसमें आलू भी बिल्कुल बराबर है, हमने आटा कम लिया तो बिल्कुल आलू की कचौड़ी लग रही है पूरी, इसमें आटा की मिलाट कम है। तो इस तरह से कचौड़ी बनाना और अपने पड़ोस बच्चों को खिलाना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये चैनल पर हमारी पहली वीडियो है, तो दोस्तों आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। और मिलता हूँ ऐसी महिला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life as far.